फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 24 में हम डिस्कस करेंगे एलसीडी क्या होती है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड रिमेनिंग जो हमारे पास चैप्टर्स के टॉपिक हैं उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है टॉपिक एलसीडी। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलसीडी को हम लास्ट टू थ्री लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। बार बार वही चीज़ जो है वो फर्दर डिस्कस हो रही है आगे डिटेल में। एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी इज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, कॉमनली यूज हो रही है टीवी, कंप्यूटर्स में एंड मोनीटर्स में। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन स्क्रीन्स, उसके अलावा ये स्क्रीन्स में यूज़ हो रही है, ठीक है, मोबाइल्स में एंड डिवाइसेस में यूज़ हो रही है, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स में एलसीडी का यूज़ हो रहा है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वर्क बाय ब्लॉकिंग लाइट्स, लाइट्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होती है। सफिशेंटली इट इज़ मेड ऑफ टू पीसीज ऑफ पोलराइज्ड ग्लास, ये टू पीसीज ऑफ पोलराइज्ड ग्लास से मिलके बनी है। डेट कंटेन, जो कि मुश्तमिल होती है एक लिक्विड क्रिस्टल मटीरियल बिटवीन दैम, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है मटीरियल उस पर कंसिस्ट करती है। ब्लैक लाइट क्रिएट लाइट डेट पासिस थ्रू द फर्स्ट सबस्ट्रेट्स, तो फर्स्ट सबस्ट्रेट की बात की जाए तो इसमें ब्लैक लाइट्स क्रिएट होती हैं जब लाइट जो है वो पास होती है फर्स्ट सबस्ट्रेट से। नेक्स्ट आ जाती हैं एलसीडी की करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एलसीडी, नेटिव रेजोल्यूशन अनलाइक सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वेल एट ओनली द रेजोल्यूशन दैट आर डिज़ाइन फॉर विच इज़ नॉन एज द नेटिव रेजोल्यूशंस। तो इसकी जो नेटिव रेजोल्यूशन अनलाइक सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर डिस्प्ले करवाता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, वेल एट ओनली द रेजोल्यूशन दैट आर डिज़ाइन फॉर। तो एलसीडी बेसिकली किस लिए डिज़ाइन हुई है, डिस्प्ले करवाने के लिए इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, तो जिसे हम नेटिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास वेइंग एंगल जिसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ब्राइटनेस है, लुमिनेंस है, कंट्रास्ट रेशियो है, रिस्पॉन्स रेट है, एडजस्टेबिलिटी है, और इन चीज़ों को हम प्रीवियस जो है वो बार बार पढ़ते आ रहे हैं एलसीडी की करैक्टरिस्टिक्स को। इसकी हमारे पास फाइव जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं एलसीडी की, जिसमें हमारे पास व्यूइंग एंगल है, ब्राइटनेस है, लुमिनेंस है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कंट्रास्ट रेशियो है, रिस्पॉन्स रेट है एंड एडजस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट यूजेस है एलसीडी के। एलसीडी इज़ यूज्ड प्रोड्यूस अ विजिबल इमेज। एलसीडी किस लिए यूज़ होती है, विजिबल इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आर सुपर थिन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले स्क्रीन डेट आर जनरली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन, ये बिल्कुल ही थिन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि जनरली लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन में यूज़ होती है, टीवीज में यूज़ हो रही हैं, सेल फोन में यूज़ हो रही है, वीडियो गेम्स के अंदर ही एलसीडी का यूज़ हो रहा है। एलसीडी टेक्नोलॉजी अलाउ डिस्प्ले टू बी मच थिनर When compared to cathode ray tubes, जब इसको cathode ray tubes के साथ compare किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये much thinner है, ठीक है। LCD advantages LCD के and disadvantages हैं। advantages हैं LCD के, LCD consume less amount of power, ठीक है, ये बिल्कुल consume करती है हमारे पास less amount। LCD जो है वो low cost है, ठीक है। LCD provide an excellent contrast, उसके अलावा ये excellent contrast provide करती है। LCD is thinner and lighter, बिल्कुल thinner होती है and lighter है। It produce very bright images, उसके अलावा ये बहुत ही bright images को produce करती हैं LCD। It is energy efficient, ये energy efficient है। It takes up about 40% less desk space, उसके अलावा ये 40% less desk space use करती हैं। It's a completely flat screen, LCDs जो हैं ये हमारी कम्प्लीटली फ्लैट स्क्रीन होती हैं। इट गिव्स गुड कलर रिप्रोडक्शन, गुड कलर रिप्रोडक्शन, उसके अलावा ये हमें गुड कलर रिप्रोडक्शंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस एलसीडी की, द रेजोल्यूशन इसके फिक्स होती है, ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है डीप ब्लैक, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डीप ब्लैक प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पिक्सल्स आर डेड, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक्स है। कलर डेप्थ इसकी फिक्स्ड है। एलसीडी डिस्प्ले हैज़ स्लो रिस्पॉन्स टाइम्स,
ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले का बहुत ही स्लो रिस्पांस टाइम होता है, ठीक है, एंड एलसीडी कॉस्ट इज़ कंसिडरेबली एट अ हाई प्राइस, कंसिडरेबली अगर इसको देखा जाए तो ये जो है हाई प्राइस कॉस्टली है ये एलसीडी। द नेगेटिव रेजोल्यूशन कैन नॉट बी चेंज, उसके अलावा नेगेटिव रेजोल्यूशन चेंज नहीं होती, व्यूइंग एंगल अफेक्ट द ब्राइटनेस, ठीक है, इसका जो अफेक्ट पड़ता है ब्राइटनेस पे अफेक्ट होता है, अगर हम इसको डिफरेंट एंगल से देखें तो इसकी ब्राइटनेस पे अफेक्ट होता है, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस में आता जाता है एलसीडी के। ओके, एलसीडी का टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्राफिक कार्ड आउटपुट्स। ग्राफिक कार्ड आउटपुट के अंदर हमारे पास VGA है, ठीक है, DVI है, HDMI है एंड डिस्प्ले पोर्ट्स हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्राफिक कार्ड आउटपुट्स को। मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड नोटबुक कंप्राइजेज ऑफ ए CPU, मदरबोर्ड, ग्राफिक स्टोरेज एंड यूजुअली एन ऑप्टिकल ड्राइव्स। जदीद हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक्स हैं ये किससे कंपेयर होते हैं, CPU से, मदरबोर्ड, ग्राफिक स्टोरेज एंड यूजुअली ऑप्टिकल ड्राइव से, हम इनको ऑप्टिकल ड्राइव पे हमारे जो हैं ये मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, नोटबुक, लैपटॉप्स हैं, तो ये मुश्तमिल होते हैं, हमारे CPU होता है इनमें, मदरबोर्ड होते हैं, हमारे ग्राफिक्स हैं, स्टोरेज हैं, ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। कंप्यूटर हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड सॉकेट्स दैट एनेबल द यूज़र टू प्लग इन वेरियस पेरिफेरल्स सच एज अ प्रिंटर, USB माउस और परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑफ ऑल एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर कंप्यूटर में देखा तो हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं, सॉकेट्स होती हैं, जो हम एनेबल करते हैं यूज़र को कि वो प्लग इन कर सके वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, लाइक अ प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक्स के साथ, USB माउस को अटैच कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है आप इंटरनेट कनेक्शंस जो है वो वायर के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शंस कर सकते हैं पोर्ट के साथ, वायर्स, इंटरनेट वायर्स को अटैच करके, ठीक है। लुकिंग इट एट इट फ्रॉम द अदर साइड, अगर दूसरी तरफ हम देखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर नीड टू बी अटैच टू अ मोनिटर्स और रेजोल्यूशन टेलीविजन सो डैट वन कैन व्यू द आउटपुट ऑफ द ग्राफिक्स, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ इसे देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को मोनिटर या टेलीविजन के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत होती है ताकि कोई ग्राफिक्स की आउटपुट को देख सके, ठीक है, द टेक्स्ट ऑन द डिस्प्ले, फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट को देख सके डिस्प्ले पर मौजूद, मिसाल के तौर पे कोई जो है वो डिस्प्ले पे मौजूद टेक्स्ट को देख सके, एंड थ्रू दिस एंड हैव वेरियस ग्राफिक्स रिलेटेड आउटपुट्स, ठीक है, और इस मकसद के लिए ग्राफिक्स से मुतल्लिक जो है वो वेरियस आउटपुट्स होती हैं। नोटबुक हैव बिल्ट इन स्क्रीन सो डू नॉट नीड दीज एडिशनल आउटपुट अनलेस ट्रांसमिटिंग टू अ लार्ज स्क्रीन। नोटबुक में हमारे पास जो हैं वो बिल्ट इन स्क्रीन्स होती हैं, इसलिए इन्हें जो है वो एडिशनल आउटपुट्स की ज़रूरत नहीं होती जब तक के किसी बड़ी स्क्रीन्स पर इसको ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। डेस्कटॉप कंप्यूटर ग्राफिक्स स्ट्रीम फ्रॉम टू सोर्सेज, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ग्राफिक्स के हमारे पास टू सोर्सेज हैं, दो ज़राए हैं। फर्स्ट पे द मशीन में है बेसिक ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ डेट आर इंटीग्रेटेड इन टू द मदर बोर्ड्स। मशीन के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर के ग्राफिक्स के दो ज़राए हैं, सबसे पहले मशीन में हमारे पास जो हैं वो बेसिक ग्राफिक्स की कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो मदर बोर्ड्स में हमारे पास इंटीग्रेटेड हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड आर फाउंड ऑन लो कॉस्ट कंप्यूटर, ये इन्हें हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमें जो है वो बिल्कुल ही कंप्यूटर, ये बहुत ही लो कॉस्ट कंप्यूटर हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में हमें मिल जाते हैं कंप्यूटर। मोर एक्सपेंसिव पीसीज है व्हाट आर नॉन डिस्क्रीट ग्राफिक्स वेयर बाय अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इज प्लेस्ड इनटू द सिस्टम एंड यूज्ड टू रन गेम्स एट हाई क्वालिटी सेटिंग्स, ठीक है। ज़्यादा महंगे पीसी के पास जो हैं वो हमारे डेडिकेटेड ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, जिसके तहत सिस्टम में एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रखे जाते हैं, ठीक है, हम सिस्टम्स के अंदर ग्राफिक कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स रखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम डिस्क्रीट ग्राफिक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा महंगे पीसी के पास क्या होते हैं, हमारे पास
ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जिसके तहत सिस्टम में एक डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड्स रखे जाते हैं और इन्हें जो है वो डेट यूज टू रन गेम्स एट हायर क्वालिटी सेटिंग इसे आला मियार की सेटिंग्स पर गेम्स चलाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। बोथ सेट्स ऑफ ग्राफिक्स कैन बी आउटपुटेड टू अ डिस्प्ले इन वेरियस वेज। ग्राफिक्स के दोनों सेट्स मुख्तलिफ तरीकों से डिस्प्ले पर आउटपुट किए जाते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड कनेक्शन नॉन एज, इन कनेक्शंस में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है, VGA कनेक्शन इंक्लूड है, DVI है, HDMI है, डिस्प्ले पोर्ट्स इंक्लूड है। दीज टेक्स्ट स्पेक लुक एट द कॉमन इंटरफेसेस एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर्क। तो ये जो है हमारे टेक्स्ट स्पेक आम इंटरफेस को देखते हैं और बताते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जी फोर्स GTS 450 ग्राफिक्स कार्ड रिलीज इन सितंबर 2010। जो हमारे पास जी फोर्स GTS 450 ग्राफिक्स कार्ड हैं ये सितंबर 2010 में रिलीज़ हुए। शो विद वेरियस आउटपुट इन दिस पिक्चर बिलो, ठीक है। नीचे वो पिक्चर्स में दिखाए भी गए हैं, ठीक है, नीचे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर्स के नीचे आ जाता है, कनेक्शन आ जाते हैं, VGA, DVI, HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट्स। इन कनेक्शंस को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है VGA, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वीडियो कनेक्टर स्टिल यूज्ड ऑन मॉडर्न पीसीज इज वीडियो ग्राफिक एरे। जदीद तरीन पीसी पर अब भी इस्तेमाल होने वाले वीडियो कनेक्टर्स के कदीम तरीन किस्म जो है वो हमारी, हम कहते हैं कि वीडियो ग्राफिक्स एरे है। इट इज़ द ब्लू कलर्ड पोर्ट इन द मिडल ऑफ द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड्स के बीच में नीले रंग की एक पोर्ट होती है। फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 बाय IBM। IBM ने फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाया इन 1987 में एंड आल्सो रेफर टू एस HD15 और HD15 में इसको रेफर किया गया। रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पिंस इन द कनेक्टर्स, इसमें रिप्रेजेंट ही नंबर ऑफ पिंस को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। द VGA वीडियो कनेक्शंस फ्लश्ड फॉर द गुड 15 ईयर आफ्टर इट्स इंसेप्शन। तो ये जो VGA वीडियो कनेक्शन अपने आगाज़ के बाद 15 साल तक खूब इसकी इंसेप्शंस हुई, खूब ये जो था वो आगे बड़ा फला फूला, हम कह सकते हैं इंसेप्शन हुई इसकी, काफ़ी आगे गया। इंडीड वेरी फैक्ट डैट इट स्टिल स्पेसिफाइड ऑन न्यू ग्राफिक कार्ड्स इज अ टेस्टामेंट टू इट्स लॉन्गविटी, ठीक है। उसके बाद दर हकीकत ये हकीकत है कि अब भी ये नए ग्राफिक्स कार्ड पर मखसूस है, ठीक है। तो ये ही इसका हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लॉन्गविटी है, बिल्कुल इसकी लंबी उम्र का एक हम कह सकते हैं कि सबूत है। VGA इज एन एनालॉग कनेक्शन दैट इज़ प्रीमेरली यूज्ड टू कनेक्ट द ग्राफिक कार्ड्स टू ओल्डर CRT मोनिटर डैट प्रोसेस डाटा इन एनालॉग फॉर्म। तो VGA एक एनालॉग कनेक्शन है जो बुनियादी तौर पर ग्राफिक्स कार्ड को पुराने CRT मोनिटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो डाटा को एनालॉग शक्ल में एनालॉग फॉर्म में प्रोसेस करता है। दिस मीन्स द CRT रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन अ कंटिन्यूस फॉर्म। इट्स मीन के जो हमारे CRT हैं वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंटिन्यूस फॉर्म में रेदर देन द प्लसिंग फाउंड ऑन न्यू डिजिटल डिस्प्ले। इसका मतलब है कि CRT नए डिजिटल डिस्प्ले में पाई जाने वाली जो हमारे दिस मीन द CRT क्या रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में रेदर देन प्लसिंग फाउंड, जो हमारे पास प्लस फाउंड होती है न्यू डिजिटल डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्लसिंग फाउंड होती है ऑन न्यूअर डिजिटल डिस्प्ले पे। बिकॉज CRT हैव बीन अराउंड ऑफ मोर देन 30 ईयर्स एंड स्टिल रिप्रेजेंट अ रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ डिस्प्ले यूज इन बिजनेस ग्राफिक कार्ड मैनुफैक्चरर हैव कैप्ट दिस लेगेसी कनेक्टर अलाइव। क्योंकि CRT को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब भी कारोबार में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले के एक जो है कहते हैं कि डिस्प्ले की नुमाइंदगी करती है। द VGA कनेक्टर रिक्वायर्ड द ग्राफिक्स कार्ड टू कन्वर्ट इट्स नेटिव डिजिटल आउटपुट इंटू एनालॉग फॉर्म बिफोर सेंडिंग इट आउट ओवर द VGA केबल एंड टू द मोनीटर। ग्राफिक्स कार्ड बनाने वालों ने इससे कनेक्टर्स को जो है वो रखा हुआ है, ऐसे अलाइव रखा हुआ है, इसको लाइव रखा हुआ है, ठीक है। VGA कनेक्टर्स को ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है कि वो VGA केबल्स पर और मोनीटर्स को बेचने से पहले अपने मकामी डिजिटल आउटपुट को एनालॉग शक्ल में एनालॉग फॉर्म में तब्दील कर सकें।
तो द क्वालिटी ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लार्जली डिक्टेट द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर ऑन द CRT विच हैज अ मैक्सिमम सपोर्टेड रेजोल्यूशन ऑफ 2048 by 1536 pixels though it is usually limited to 1600 by 1200 on most monitor. तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर के का मियार बड़ी हद तक CRT पर ठीक है तस्वीर के मियार का तयन करता है. VGA में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन 15036 से 2048 pixels हैं, हालांकि आम तौर पर अब ज़्यादा मॉनिटर्स में देखें तो वो 1600 to 1200 तक इसकी जो है वो लिमिट होती है. तो ये हमारे पास आ गया VGA. VGA के बाद नेक्स्ट कनेक्शन हमारे पास आ जाता है DVI. नेक्स्ट DVI को स्टडी कर लेते हैं. DVI क्या है? DVI द एमर्जेंस ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले. पिछले 10 सालों में इन द लास्ट 10 years हैज़ लेड टू द डिक्लाइन ऑफ VGA एंड राइज ऑफ डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI एज द डी फैक्टो डिस्प्ले स्टैंडर्ड. पिछले 10 सालों में फ्लैट पैनल डिस्प्ले का जहूर जो था वो VGA का जब एंड हो गया तब आया हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले ठीक है और डी फैक्टो डिस्प्ले के मियार के तौर पर डिजिटल वीडियो इंटरफेस के का फिर क्या आ गया फिर इसका ये डिस्प्ले हो गया हमारे पास DVI जो था इसका इंटरफेस हो गया डिक्लाइन हो गया VGA 10 साल के बाद ठीक है. उसके बाद फ्लैट पैनल डिस्प्ले में अगर हम देखें तो VGA जो था वो डिक्लाइन हो गया. उसके बाद हमारे पास आ गया DVI डिजिटल वीडियो इंटरफेस आ गया. फ्लैट पैनल स्क्रीन थिंक ऑफ LCD मॉनिटर एंड TV हियर. तो फ्लैट पैनल स्क्रीन जहां LCD मॉनिटर और TV स्क्रीन जो था वो यूज़ होने लगा ठीक है. फ्लैट पैनल स्क्रीन क्या करती थी थिंक ऑफ LCD मॉनिटर एंड TVs. तो देन अगेन हम यूज़ द डिजिटल फॉर्मेट फॉर द डिस्प्ले. डिस्प्ले के लिए डिजिटल फॉर्मेट्स का यूज़ हुआ. दिस मीन डैट द ग्राफिक कार्ड कैन सेंड इट्स डिजिटल आउटपुट टू द डिस्प्ले विदाउट द नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग सिग्नल फर्स्ट. तो इसका मतलब है कि ग्राफिक कार्ड्स अपने डिजिटल आउटपुट को बगैर किसी एनालॉग सिग्नल्स में तब्दील किए डिस्प्ले में भेज सकता था ठीक है. द वाइट कलर DVI कनेक्टर शो ऑन द राइट ऑफ द पिक्चर. पिक्चर्स में अब डिस्प्ले हो रहे हैं कनेक्टर DVI के. इस कनेक्टेड टू व्हाट इज़ नोन एज ट्रांजिशन मिनिमाइज डिफरेंसिंग सिग्नलिंग डिफरेंशियल सिग्नलिंग चिप ऑन द ग्राफिक कार्ड. द TMDS grabs द सिग्नल फ्रॉम द वीडियो कार्ड एंड देन passes इट ओवर इट टू डिस्प्ले ऑप्टिमाइजिंग द रेजोल्यूशन रिफ्रेशिंग रेट इन द प्रोसेस. उन्होंने बताया कि सफ़ेद रंग का DVI कनेक्टर है. उन्होंने कहा कि नीचे आप पिक्चर्स में उसको देख सकते हैं ठीक है. वो उन्होंने उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट किया हुआ है जिसे ग्राफिक कार्ड पर ट्रांसमिशंस नेक्स्ट हमारे मिनिमाइज डिफरेंशियल सिग्नल ट्रांजिशंस हम कहते हैं. मिनिमाइज डिफरेंशियल सिग्नलिंग चिप हम इसको कहते हैं ठीक है. TMDS वीडियो कार्ड से सिग्नल जो है वो पकड़ता है और फिर इसे डिस्प्ले पर ट्रांसफ़र कर देता है. तो इस अमल को रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट को ये बेहतर बनाता है. You will find a DVD connection or particularly all graphic cards and flat panel monitors nowadays. There are two form of DVI connections for the consumer market. Most monitor have what is known as a single link connection that is use a single TMDS to provide the outputs. उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको आजकल अमली तौर पर तमाम ग्राफिक्स कार्ड और फ्लैट पैनल मॉनिटर पर DVI कनेक्शंस मिलेगा ठीक है. कंज्यूमर मार्केट के लिए DVI कनेक्शंस की दो हमारे पास जो है वो फॉर्म्स हैं. ज़्यादातर मॉनिटरों के पास वो होता है जिसे सिग्नल लिंक कनेक्शन के नाम से जाना जाता है ठीक है. जो आउटपुट फ्राहम करने के लिए वाहिद हमारे पास TMDS जो है वो इस्तेमाल करता है. और इन लिंक की रेजोल्यूशन उन्होंने बताई हुई है कि 1920 to 1200 pixels है ठीक है. पिक्सल तक महदूद है और यही ज़्यादातर डिस्प्ले के लिए ठीक है. हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर उन्होंने कहा कि 13 मॉडल्स में हैं ठीक है. और इनकी उन्होंने बताई हुई है कि मेन के कितनी रेजोल्यूशन है 2560 टू
हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है 1600 रेजोल्यूशन ये रखते हैं, ठीक है। और इसे दो TMDS ट्रांसमीटर्स और एक खसूसी केबल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। नीड टू TMDS ट्रांसमीटर एंड स्पेशल केबल फॉर व्हाट इज़ नोन एज ड्यूल लिंक कनेक्शन, और इसको हम ड्यूल लिंक कनेक्शंस कहते हैं। DVI इज़ फर्दर सेपरेट इनटू DVI-1 एंड DVI-D वेयर द फॉर्मर आल्सो सपोर्ट एंड एनालॉग कनेक्शंस बाय हैविंग फोर एडिशनल पिंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोर्ट ए यू कैन सी ऑन द पिक्चर्ड ग्राफिक कार्ड। DVI कैन आल्सो कैरी द ऑप्शनल हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन फीचर दैट इनहेबिट्स द कॉपिंग ऑफ डिजिटल डाटा बाय इनक्रिप्टिंग इट बिफोर इट सेंट ओवर द केबल टू द मिरर। DVI को मजीद DVI-1 और DVI-D में तकसीम किया गया है, जहाँ हमारे जो पोर्ट के दाएं तरफ चार अजाफे पिन रखकर एक एनालॉग कनेक्शंस को भी वो सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे वो आप नीचे बिल्कुल पिक्चर्स में देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड को। DVI जो है वो हाई बैंडविड डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शंस की कैपेबिलिटी खसूसियत भी ले सकता है, जो मॉनिटर को केबल पर भेजे जाने से पहले डिजिटल डाटा को इनक्रिप्ट करके उसे कॉपी करने से रोकता है। ये चीज़ हमारी आ जाती है इसमें DVI में। नेक्स्ट हमारे पास हैं HDMI। वेयर एज DVI इज एम्ड स्क्योरली एट द PC मार्केट, जबकि DVI का मकसद ही PC मार्केट में हाईली डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस प्रोवाइड द सेम डिजिटल डाटा ट्रांसफर फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज फ्लैट पैनल TVs, मॉडर्न कंसोल्स, DVD एंड ब्लू रे प्लेयर्स, होम सिनेमा इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंगली ऑन ग्राफिक कार्ड्स। Both DVI and HDMI transmit uncompressed digital data from source to display, but HDMI's one big advantage is that it can also send up to 8 channels of compressed or uncompressed sounds via the single cable. जबकि DVI का मकसद ही PC मार्केट में है, हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस जो HDMI है, ये यूज़र्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे फ्लैट पैनल TV, उसके अलावा हमारे फ्लैट पैनल TVs हो गए, मॉडर्न कंसोल्स, DVD, ब्लू रे प्लेयर्स, ठीक है, होम सिनेमा के लिए वही डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र जो था वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहाँ कैसे प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बॉट DVI एंड बॉट DVI एंड HDMI ट्रांसमिट अनकम्प्रेस्ड डिजिटल डाटा फ्रॉम सोर्स टू डिस्प्ले, के DVI और HDMI दोनों जो है वो गैर कंप्रेस्ड जो अनकम्प्रेस्ड डिजिटल डाटा को डिस्प्ले से मुंतकिल करता है, ठीक है। लेकिन HDMI का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिंगल केबल के ज़रिए कंप्रेस्ड या गैर अनकम्प्रेस्ड वॉइस के 8 चैनल तक इसको हम जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट HDMI वन बिग एडवांटेज दैट इट कैन आल्सो सेंड अप टू 8 चैनल्स, इसको हम 8 चैनल्स तक सेंड कर सकते हैं कंप्रेस्ड ऑन अनकम्प्रेस्ड साउंड्स वाया सिंगल केबल्स। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिंगल केबल्स के थ्रू कंप्रेस्ड या अनकम्प्रेस्ड साउंड्स के 8 चैनल्स तक हम इनको सेंड कर सकते हैं। HDMI इज़ इलेक्ट्रिकली वेरी सिमिलर टू DVI, ठीक है। HDMI जो है ये DVI से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इन सोफर एज अ बेसिक DVI टू HDMI अडॉप्टर कैन बी यूज्ड विदाउट अ लॉस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जहाँ तक बुनियादी HDMI टू DVI अडॉप्टर क्वालिटी के नुकसान के बगैर जो है इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। HDMI हाउएवर रिक्वायर्ड दैट HTCP इंक्रिप्शन इज़ मैंडेटरी, तो हम HDMI का तकाजा है कि HTCP इंक्रिप्शन जो है वो लाजमी है। द डिजिटल कनेक्शन हैव बीन अपडेटेड नुमेरियस टाइम्स, जो डिजिटल कनेक्शन है वो बहुत नुमेरियस टाइम्स इन इट्स लॉन्चिंग 2002 में अपने आगाज़ के बाद बहुत बार ये अपडेट किया जा चुका है। द लेटेस्ट वर्जन इज़ HDMI 1.4। लेटेस्ट वर्जन जो HDMI का है वो 1.4 है, विच सपोर्ट एडवांस फीचर सच एज एन अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ऑफ 4096x2160। इसकी हाई रेजोल्यूशन कितनी है एडवांस फीचर्स के साथ, इसकी जो हाई रेजोल्यूशंस है वो 2160 पिक्सल्स टू से 4096 पिक्सल्स तक है।
और ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन और ये एथरनेट चैनल और 3D कंपेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। द वाइट नेक्स्ट आ गया, द वाइड प्रोलीफ्रेशन ऑफ HDMI इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स डैट इट हैज़ नाउ ओवरटेकन DVI एज अ डिजिटल कनेक्शन ऑफ चॉइस। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में HDMI के वसी फैलाव का मतलब ये है कि अब इसने DVI को लाइक करके पसंद के डिजिटल कनेक्शन के तौर पर पीछे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटिंग के नुक्ता नज़र से देखें हम AMD एंड NVIDIA's न्यूज ग्राफिक कार्ड्स आर एबल टू टेक द ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर एंड फेयर इट थ्रू द HDMI पोर्ट टू एन HDMI इक्विप्ड मॉनिटर और TV विद बोथ द वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीम प्रेजेंट। HDMI इम्प्लीमेंटेशन करंटली कॉस्ट 4 cents पर डिवाइस एंड $10,000 एनुअल फी फॉर मैनुफैक्चरर विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ HDMI इक्विप्ड पार्ट्स। तो AMD और NVIDIA एक जदीद तरीन ग्राफिक कार्ड्स कंप्यूटर से ऑडियो ले सकते हैं और इसे HDMI पोर्ट के ज़रिए HDMI से लेस मॉनिटर या TV पर ले जा सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे इक्विप्ड मॉनिटर हैं उनसे ये TV पर ले कर जा सकते हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों सिलसिले मौजूद हैं। HDMI के नफाज पर फी जो हम कहते हैं कि फी डिवाइसेस जो है 4 सेंट जो है वो जो है लागत आती है, ठीक है। और HDMI के जो हैं वो डिवाइसेस पर डिवाइसेस कितनी आ रही है HDMI सी की, उसकी आ रही है मैन्युफैक्चरर की $10,000 एनुअल फीस है, ओके। HDMI के बाद हम देखते हैं हमारी डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, डिस्प्ले पोर्ट्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर प्लाज्मा मॉनिटर हैं, प्लाज्मा मॉनिटर्स हम पहले भी डिवाइस कर चुके थे, अब फिर प्लाज्मा मॉनिटर्स आ रहे हैं अगेन। ओके डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, न्यूएस्ट मास मार्केट डिजिटल इंटरफेसेस नॉन एज डिस्प्ले पोर्ट्स रिलीज्ड हुई थी 2007 में, डिजाइन इन टू रिप्लेस्ड बोथ DVI एंड VGI एज सिंगल केबल कनेक्शन टू कंप्यूटर मॉनिटर्स। तो जदीद तरीन हमारे पास जो मास मार्केट डिजिटल इंटरफेस डिस्प्ले पोर्ट के नाम से इनको जाना जाता है, 2007 में ये रिलीज़ हुई थी, इसे कंप्यूटर मॉनिटर के लिए वाहिद केबल कनेक्शन के तौर पर DVI और VGA दोनों को तब्दील करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। 20 pins कनेक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली कंपेटिबल विद DVI अनलेस यूज्ड इन अ ड्यूल मोड डिस्प्ले पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन विच इटसेल्फ इज़ लिमिटेड टू सिंगल इंक DVI ट्रांसमिशन। 20 pin कनेक्शन बराह रास्त डायरेक्टली DVI के साथ मुताबकत नहीं रखती जब तक कि इसे ड्यूल मोड डिस्प्ले पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ ना किया जाए जो खुद सिंगल इंक DVI ट्रांसमिशन तक जो है वो लिमिटेड है। डिस्प्ले पोर्ट यूजेज अ सिस्टम ऑफ व्हाट आर टर्म्ड डिफरेंशियल डाटा पेयर्स विद द मेन लिंक ऑफ ट्रांसमिट डाटा, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट डाटा को मुंतकिल करने के लिए एक अहम लिंक के अंदर एक ऐसा निज़ाम इस्तेमाल करता है जिसे डिफरेंशियल डाटा पेयर्स कहा जाता है। डिस्प्ले पोर्ट यूजेज अ सिस्टम ऑफ व्हाट आर टर्म्ड डिफरेंशियल डाटा पेयर्स विद इन अ मेन लिंक ऑफ ट्रांसमिट डाटा। डिस्प्ले पोर्ट डाटा को मुंतकिल करने के लिए एक अहम लिंक के अंदर एक ऐसा निज़ाम इस्तेमाल करता है जिसे डिफरेंशियल डाटा पेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है बैंडविड्थ, डिस्प्ले पोर्ट यूजेज अ सिस्टम, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट यूज अ फॉर एडिशनल पेयर, बैंडविड्थ फ्राहम करने के लिए 4 तक डिफरेंशियल पेयर ऑफ टर्म डज प्रोवाइड। डिस्प्ले पोर्ट यूजेज अ सिस्टम, डिस्प्ले पोर्ट जो यूज़ कर रही है सिस्टम्स को व्हाट आर टर्म डिफरेंशियल डाटा पेयर्स, ठीक है ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है अप टू 4 डिफरेंशियल पेयर आर टीम्ड अप टू प्रोवाइड द बैंडविड्थ एज इट पीक। 4 पेयर डिस्प्ले पोर्ट कनेक्शंस कैन ट्रांसमिट 17.28 GB ऑफ डाटा। इट ऑफर ऑप्शनल HDCP एंड एडवांस डिस्प्ले पोर्ट कंटेंट प्रोटेक्शन एज वेल। चिप मेकर AMD हैज़ ऑलरेडी टेकन डिस्प्ले पोर्ट ऑन बोर्ड विद इट्स इन्फिनिटी मल्टी मॉनिटर फीचर वेयर अप टू 6 डिस्प्ले कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल ग्राफिक कार्ड फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड लार्ज एरिया गेमिंग।
Laptop makers are also looking at DisplayPort to replace the many voiced LVD system that currently connects the motherboard display electronics to the screen itself. Now gaining in a momentum, Intel is providing DisplayPort as standard on its next generation Sandy Bridge architectures. बैंडविड्थ फ्राहम करने के लिए चार तक तफरीक वाले जोड़े बनाए गए थे जो वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते थे, ठीक है। फिर अपने अरूज पर वो कह रहे हैं कि जब वो बिल्कुल अपने अरूज पर था, ठीक है, देन वो उन्होंने कहा कि चार जो फोर पिंस जो हमारे पास फोर पेयर्स थे, फोर पेयर वाले डिस्प्ले पोर्ट कनेक्शन 17.28 डाटा जो था वो ट्रांसफ़र करते थे। ये हमारे पास जो थे ये ऑप्शनल HDCP और एडवांस डिस्प्ले पोर्ट कनेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते थे। चिप बनाने वाली कंपनी जो थी AMD ने पहले ही डिस्प्ले पोर्ट को अपनी जो मल्टी मोनीटर इन्फिनिटी मल्टी मोनीटर फीचर्स के साथ इन बोर्ड ले लिया था, जहाँ पर इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। और इन और उसके अलावा हमारे जो लार्ज एरिया गेमिंग के लिए 6 डिस्प्ले तक की एक ही ग्राफिक कार्ड्स के साथ कनेक्शन किया गया, ठीक है। एंड लैपटॉप मेकर्स आर सो लुकिंग एट डिस्प्ले पोर्ट्स, और लैपटॉप बनाने वाले कई वायर वाले LVD सिस्टम्स को तब्दील करने के लिए डिस्प्ले पोर्ट को भी देख रहे हैं जो इस वक्त मदरबोर्ड के डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स को स्क्रीन से कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा नाउ गेनिंग अ मोमेंटम इंटेल इज़ प्रोवाइडिंग, इंटेल अपनी नेक्स्ट देख रहा है कि नेक्स्ट जो जनरेशन है इसमें सैंडी ब्रिज फन तमीर पर डिस्प्ले पोर्ट को वो जो है वो मियारी फ्राहम कर रहा है। वो बता रहे हैं इसमें इंटेल इज़ प्रोवाइड क्या कर रहा है, डिस्प्ले पोर्ट एज स्टैंडर्ड टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर। तो सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर पर डिस्प्ले पोर्ट को जो है डिस्प्ले पोर्ट हम कह रहे हैं कि वो प्रोवाइड कर रहा है हमें। इंटेल अब क्या कर रहा है, वो देख रहा है नेक्स्ट जनरेशन सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर। अब वो नेक्स्ट जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन के सैंडी ब्रिज आर्किटेक्चर पर जो डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा इंटेल जो है डिस्प्ले पोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा मोनीटर्स। प्लाज्मा मोनीटर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मोनीटर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एक दफ़ा और फिर डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मोनीटर्स को। नेक्स्ट प्लाज्मा मोनीटर, प्लाज्मा इज़ अ कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले इन विच ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टिनी बिट ऑफ प्लाज्मा और चार्ज गैस समवट लाइक अ टिनी नॉन लाइट। प्लाज्मा डिस्प्ले आर थिनर देन कैथोड रे ट्यूब्स डिस्प्ले एंड ब्राइटर देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्लाज्मा एक कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले है जिसमें स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल्स हर पिक्सल्स प्लाज्मा या चार्ज शुदा जो गैस है, ठीक है, चार्ज शुदा गैस के एक छोटे से टुकड़े से रोशन होता है और कुछ हद तक एक छोटी नैन लाइट की तरह प्लाज्मा डिस्प्ले कैथोड रे ट्यूब से पतले और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से ज़्यादा रोशन होते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा मोनीटर वर्किंग है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू द ट्यूब्स गैस एटॉम्स क्रैश अबाउट इनसाइड इट एंड जनरेट इनविजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट। The white phosphor coating turn this invisible light into visible white light. In a plasma TV, the cells are a bit like tiny CFLs only coated with phosphor that are red, blue or green. जब बिजली जो है वो ट्यूब में बहती है तो गैस के आइटम्स इसके अंदर जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है, और गैर और हम कह सकते हैं कि जब वो गिर जाते हैं जनरेट इनविजिबल एंड वायलेट लाइट, तो वो एक इनविजिबल जो है अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सफ़ेद फॉस्फर कोटिंग में द वाइट फॉस्फर कोटिंग टर्न में जो हमारे पास इनविजिबल लाइट्स को इनविजिबल वाइट लाइट्स में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, चेंज कर देती हैं। जो हमारे पास वाइट फॉस्फर कोटिंग है वो इस हमारी
इनविजिबल लाइट को विजिबल लाइट में चेंज कर देती हैं, ठीक है। प्लाज्मा टीवी में जो हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, स्मॉल सेल्स CFL की तरह होते हैं, जो सिर्फ फॉस्फोरस के साथ ही कोट होते हैं, ठीक है, जो सुरख नीले या सबज होते हैं। तो प्लाज्मा मॉनिटर के नेक्स्ट एडवांटेजेस आ गए हैं, केबल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डीपियर ब्लैक लॉइंग फॉर अ सुपीरियर एज दे यूज द सेम और सिमिलर फॉस्फोर आर एज आर यूज इन CRT डिस्प्ले। प्लाज्मा कलर्स रिप्रोडक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू डैट ऑफ CRT। कैपेबल, ये क्या करते हैं, ब्लैक डीपियर ब्लैक अलाउंग फॉर अ सुपीरियर प्रोड्यूस करते हैं डीपियर ब्लैक, बिल्कुल डीपियर ब्लैक को प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सुपीरियर अलाउ करते हैं सुपीरियर एज दे यूज़ द सेम और सिमिलर फॉस्फोर एज दे यूज इन CRT डिस्प्ले। प्लाज्मा कलर रिप्रोडक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू डैट ऑफ CRTs। ये फॉस्फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि CRT डिस्प्ले, चूँकि CRT डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है, इसे प्लाज्मा का हम क्या कहते हैं, कलर रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। CRT से इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत मिलता जुलता होता है। जो हमारे प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं वो फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, जैसा कि CRT डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो कलर है वो रिप्रोडक्शन से CRT से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कलर रिप्रोडक्शन जो है वो CRT से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। नेक्स्ट, वाइडर व्यूइंग एंगल दैन दोज ऑफ LCD। देखिए उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस जो है, नेक्स्ट है एडवांटेज वाइडर व्यूइंग एंगल देन दोज ऑफ LCD। व्यूइंग एंगल जो है वो वाइडर है, ठीक है। नेक्स्ट सुपीरियर नेक्स्ट आ जाता है सुपीरियर यूनिफॉर्मिटी। LCD पैनल ब्लैक लाइट्स नियरली ऑलवेज प्रोड्यूस अनइवन ब्राइटनेस लेवल ऑल्थो दिस इज नॉट ऑलवेज नोटिसेबल। हाई एंड कंप्यूटर मॉनिटर हैव टेक्नोलॉजीज टू ट्राई टू कॉम्पेंसेट फॉर द यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे पास सुपीरियर यूनिफॉर्मिटी है, उसमें LCD की बैक लाइट्स तकरीबन हमेशा ही हम कहते हैं कि ये गैर मसावी होती है, ठीक है, गैर मसावी चमक की सतह पैदा करती है। हालांकि ये हमेशा जो है वो काबिल तवज्जा नहीं होती, ठीक है। तो जो हमारे पास हाई एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, ये टेक्नोलॉजीज टू ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर द यूनिफॉर्मिटी, इनमें जो है वो यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्पनसेट नहीं करती, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर के पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे उनके पास जो यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश के लिए हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। अनअफेक्टेड बाय क्लाउडिंग फ्रॉम द पॉलिशिंग प्रोसेस। उसके अलावा ये अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं होता पॉलिशिंग प्रोसेस से, ठीक है। सम LCD पैनल्स टाइप्स लाइक IPS रिक्वायर अ पॉलिशिंग प्रोसेस डैट कैन बी इंट्रोड्यूस अ हेजी यूजुअली रेफर टू एज क्लाउडिंग। जैसे IPS को पॉलिश करने के अमल की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि गहरा मुतारफ, जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक, इसको हम कैसे रेफ़र कर सकते हैं, क्लाउडिंग, एज अ क्लाउडिंग हम इसको रेफ़र करते हैं, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव है ये ब्लोअर पर स्क्योर इंच देन LCD से, ठीक है। की एडवांटेजेस है पर्टिकुलरली इवन इक्वलेंट परफॉर्मेंस इज कंसीडर्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस इक्वलेंट है। डिसएडवांटेजेस इनके देख लेते हैं, प्लाज्मा के डज नॉट वर्क एज वेल एज हाई आल्टीट्यूड, ये इन वर्किंग इसके जो वेल है इतनी वेल नहीं है वर्किंग, ठीक है।
उन्होंने बताया कि ये 6500 फीट से ज़्यादा ये ऊंचाई पे काम नहीं करते। प्लाज्मा डिस्प्ले आर जनरली हैवियर, ये हैवियर है एलसीडी से, ठीक है, और इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा वी एस एलसीडी, प्लाज्मा वी एल डी वॉयल एंड एल ई डी स्क्रीन यूजिंग लाइक लाइट मीटिंग डायोड एज बैक लाइट्स फॉर द स्क्रीन, और ये लाइट मीटिंग डायोड यूज़ करते हैं एज अ बैक लाइट फॉर द स्क्रीन के लिए। प्लाज्मा स्क्रीन लाइट स्टेम सेल्स यूजिंग गैस सेल्स डैट इमिट अल्ट्रावायलेट लाइट। एल ई डी ब्लैक लाइट स्क्रीन्स आर इम्प्रूवमेंट्स ओवर रेगुलर एल सी डी स्क्रीन्स। तो जो हमारे पास प्लाज्मा स्क्रीन अल्ट्रावायलेट रोशनी खर्च करने वाले डायोड्स हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, एमिटिंग डायोड्स हैं, ठीक है, रोशनी खर्च करने वाले डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं एलईडी के। नेक्स्ट प्लाज्मा डिस्प्ले के, नेक्स्ट है प्लाज्मा वीएस एलईडी, डिफरेंस क्या, डिसएडवांटेज तो इसके दो ही थे कि वर्किंग वेल नहीं करता, सिक्स जो है वो 6500 फीट से ज़्यादा जो है ये ज़्यादा ऊंचाई पे अगर हम रखें तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, जनरली हैवियर है एलसीडी से, ठीक है। और नेक्स्ट इसका डिफरेंस बताया हुआ था प्लाज्मा का और एलईडी का, दोनों का। तो इसमें डिफरेंस ये था कि जो एक एलईडी है ये स्क्रीन के लिए बैक लाइट्स के तौर पर रोशनी खर्च करने वाले डायोड्स का इस्तेमाल करती है, जबकि प्लाज्मा का ये बताया गया था कि ये स्क्रीन जो है अल्ट्रावायलेट रोशनी खर्च करने वाले गैस के जो सेल्स हैं उनका यूज़ करती है। ये इन दोनों का जो था वो आपस में डिफरेंस बताया हुआ था, नेक्स्ट प्लाज्मा और एलईडी का। नेक्स्ट टेलीविज़न आ जाता है, टेलीविज़न्स क्या हैं, हिस्ट्री क्या है टेलीविज़न्स की, टेलीविज़न्स को भी हमने पढ़ा है लास्ट में, वही चीज़ें दोबारा दोबारा जो है बार बार डिस्कस हो रही हैं अगेन। फिर इसमें टेलीविज़न आ गया है, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग विजुअल इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये सिस्टम क्या करता है, कन्वर्ट करता है विजुअल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ट्रांसमिटिंग देम बाय रेडियो और अदर मीन्स एंड डिस्प्लेइंग देम इलेक्ट्रॉनिकली ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो है डिस्प्ले करने के हम कहते हैं निज़ाम को टेलीविज़न चाहिए। टेलीविज़न एक मशीन है, ठीक है, विद द स्क्रीन टेलीविज़न रिसीव ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल, ये ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल से रिसीव करती है, चेंज देम इनटू पिक्चर एंड साउंड्स, ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स को रिसीव करके उनको पिक्चर और साउंड्स में चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है। द वर्ड टेलीविज़न कम फ्रॉम द वर्ड्स टेली ग्रीक एंड विजन साइट, ठीक है। तो ये टेलीविज़न का वर्ड निकला है टेली से, जो कि ग्रीक वर्ड था, ठीक है, और विजन जो था वो था विजन, नज़र, साइट से, ठीक है, ये अल्फाज निकला है। कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस कैन आल्सो यूज फॉर वाचिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स, कंप्यूटर्स और मोबाइल जो डिवाइसेस हैं ये भी टेलीविजन प्रोग्राम्स देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पे भी हम टेलीविज़न प्रोग्राम को देख सकते हैं। हिस्ट्री है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कब आया था, इन्वेंट हुआ था 1927 को, पहला जो था वो टेलीविज़न आया। द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न वाज क्रिएटेड बाय 21-year-old इन्वेंटर नेम्ड फिलो टेलर्स फ्रांसवर्थ, ठीक है, ने टीलो टाइलर्स फ्रांसवर्थ, फिलो टाइलर फ्रांसवर्थ ने इसको इन्वेंट किया, 21 साल पहले की बात है, ठीक है, 21 साल पहले तकरीबन। कब ये क्रिएट हुआ था, वर्ड फर्स्ट 1927 में हुआ था, 21 साल नहीं, बहुत देर हो गई। इन्वेंटर लिव्ड इन अ हाउस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अंटिल ही वाज एज, इन्वेंटर जिसने इन्वेंट किया था वो एक ऐसे घर में रहता था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और फिर भी देखिए उसने टेलीविज़न बना लिया, तब उसकी उम्र जो थी वो 14 साल की थी। इसका यूजेस क्या है टेलीविजन्स का, टेलीविज़न सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इमेज एंड साउंड एट आर रिप्रोड्यूस ऑन स्क्रीन। तो टेलीविज़न जो है वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल को रिसीव करता है और उसको इमेज और साउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका आ जाता है इसकी करैक्टरिस्टिक्स, टीवी हैज़ बोथ साउंड एंड साइट्स,
टीवी के अंदर जो है वो साउंड्स भी हैं एंड साइट्स भी हैं, ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स है टीवी की। उसके बाद टीवी ब्रॉडकास्ट इज कंसीव्ड एंड प्रोड्यूस्ड एंड रिसीव्ड इन ऑडियो विजुअल टर्म्स, तो वही चीज़ के टीवी क्या करता था, ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को रिसीव करता था और उनको ऑडियो एंड पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देता था। आई एब्जर्व एंड रिटेन मच मोर देन द एयर, सो टीवी ब्रॉडकास्ट हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन व्यूअर्स देन रेडियो ऑडियंस। नेक्स्ट इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है टीवी को, एंटरटेनमेंट्स के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए, एक्सपोजर्स के लिए, डिफरेंट कल्चर्स के एक्सपोजर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। टेलीविजन्स कैन एस्पायर इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायरेशंस के लिए टेलीविजन्स को यूज़ कर सकते हैं। 3D टीवी एंड प्रोग्राम्स हैं, कर्ब्स फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा इम्पैक्ट सोशल डिवेलपमेंट्स हैं। इस टीवी आर वेस्ट ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि टीवी जो है वो टाइम वेस्टेड है, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस डैट व्हेन यू आर वॉचिंग टीवी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली ये टाइम वेस्टिंग है, जब आप टीवी देख रहे हैं तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। टाइम स्पेंट वॉचिंग टेलीविजन सिमिलर टू बींग अस्लीप, बिल्कुल एक सोने के मुतबादल दे लें कि आप सो लें या फिर टाइम स्पेंड कर लें, कि चीज़ है टाइम वेस्टेड ही है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ गया नेक्स्ट टेलीविजन्स के, वो देख लेते हैं कि टेलीविजन्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इन दिस बिजी एक्सपेंसिव लाइफ टेलीविजन इज़ एन ईजी एंड चीप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बिजी और बहुत एक्सपेंसिव लाइफ में हम कहते हैं कि टेलीविजन बहुत ही ईजी एंड चीप सोर्स है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का। बाय वॉचिंग इंटरनेशनल न्यूज़, अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं, वी आर केप्ट इन्फॉर्म्ड, हम इन्फॉर्म्ड रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिलती हैं अराउंड द वर्ल्ड। सम शो एंड चैनल्स ऑफर एजुकेशनल प्रोग्राम, कुछ शोज़ हैं, कुछ चैनल हैं जो हमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, डैट कैन इंक्रीज़ आवर नॉलेज, जो कि हमारे नॉलेज में जो है नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, मेक अस मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, और उसके अलावा हमें दुनिया के बारे में मज़ीद जो है वो अवेयरनेस देता है। सम शो कैन मोटिवेट पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन डैट फील्ड, तो कुछ शोज़ जो होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं जिस फील्ड्स में वो इंटरेस्टेड होते हैं। ही कैन हेल्प देम टू प्रोस देयर ड्रीम्स, और उनको उनके ख्वाबों को पूरा करने में भी मदद देते हैं। उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें सेक्स क्राइम एंड वायलेंस आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड ऑन टेलीविजन एंड मे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन इम्प्रेशनेबल्स चिल्ड्रंस, ठीक है, जिन्स, और इसके अलावा जो सेक्स है और उसके अलावा क्राइम एंड वायलेंस को अक्सर टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, जिस पर जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव जो है वो अफेक्ट्स पड़ रहे हैं। काइंड्स किड्स हु सी वायलेंट एक्ट आर मोर लाइकली टू डिस्प्ले एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर एंड ऑल्सो टू बिलीव डैट द वर्ल्ड इज़ अ स्केरी प्लेस एंड डैट समथिंग बैड इज़ गोइंग हैपन टू देम। तो जब बच्चे ये सब चीज़ें देखते हैं, तशद्दुद वगैरह, ठीक है, वो देखते हैं तो उनका फिर अपना बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, ठीक है, और फिर वो यकीन कर लेते हैं कि दुनिया जो है वो एक बहुत ही खौफनाक जगह है और उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है, ठीक है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ जाता है इन चीज़ों का। नेक्स्ट, ऑन गोइंग वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड अग्रेशन डेट बिगेन इन चिल्ड्रन चाइल्डहुड एंड कॉन्टिन्यूज इन द अडल्टहुड व्योर समथिंग imitate violent criminal sexual or other risky behavior they see on television and end up in trouble in jail or in hospital or as a result। तो बच्चे भी वैसे ही काम करना शुरू, जैसा जैसे वो देखते हैं टेलीविजन के अंदर वैसे वो फिर करते हैं, ठीक है, तशद्दुद जो भी देखते हैं वैसे वो करना शुरू कर देते हैं, इन केस वो फिर ऐसे ही हॉस्पिटल्स जेल्स और किसी ना किसी ट्रबल में वो जो है ना वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे टेलीविजन्स के। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास CRT मॉनिटर्स हैं, हिस्ट्री है, CRT मॉनिटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। CRT मॉनिटर्स क्या होते हैं, CRT मे रेफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। CRT मॉनिटर्स में हमारे पास आ जाता है कैथोड रे ट्यूब्स हैं, ये भी हमने CRT मॉनिटर्स को भी पहले पढ़ा हुआ सारा डिटेल के अंदर। CRT क्या होते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स, शॉर्ट फॉर कैथोड रे ट्यूब। CRT इज़ द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ मॉनिटर दैट मूव अक्रॉस योर स्क्रीन आइदर
interlaced or non-interlaced, hitting phosphor dots on the inside glass tube. Picture is an example of inside of a computer monitor that show the CRT connected to the screen. In the CRT there are three electron guns, red, green and blue. Each of these gun streams has 3D flows of electrons left to right for each lines of your monitors. As the electrons hit the phosphor on the CRT, the phosphor will glow certain intensities. As the new lines begins, the guns will then begin at the left and continues right. This gun will repeat this purpose sometimes thousands of times until the screen is completely drawn line by line. Once the phosphor on the CRT have been hit with an electrons, they only glow for a short period of time because of the CRT as explained above. ऊपर जो है मैंने इसको डिस्कस किया हुआ डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कैथोड रे ट्यूब्स का. इफ द वीडियोस कार्ड्स रिफ्रेश रेट इज नॉट सेट हाई एनफ यू मे इनकाउंटर फ्लिकर और अ नोटिसेबल स्टीडी लाइंस स्क्रॉलिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑन योर स्क्रीन्स. CRT मोनीटर को क्लास हमने जो है अबव डिस्कस किया हुआ डिटेल में अबव लेक्चर्स में, ठीक है. इसकी हिस्ट्री को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है CRT की. हिस्ट्री में इसके है कि वाइल कैथोड रे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1896 में ये डिस्कवर्ड हुआ, किया किसने था, जोहान हिट्रॉफ ने, ठीक है. अनटिल इट वॉज 1897 फर्स्ट CRT इन्वेंट हुआ था हमारा फेडेंट ब्रन ने इसको इन्वेंट किया था 1897 में. नेम था ब्रन ट्यूब. द फर्स्ट CRT यूज्ड कोड कैथोड डायोड. ये एज अ कोड कैथोड डायोड यूज़ हुए थे CRT हैविंग अ फॉस्फर कैथोड स्क्रीन. इनकी फॉस्फर कैथोड स्क्रीन थी. जोहान बी जोशन एंड हैरी विनर्स विकर्ट क्रिएटेड द फर्स्ट CRT यूज अ हॉट कैथोड टर्निंग इन टू अ कमर्शियल प्रोडक्ट इन 1922 एंड देन इन 1934 द फर्स्ट CRT टेलीविजन वॉज मेड अवेलेबल कमर्शियली इन जर्मनी बाय टेलीफोकन, ठीक है. उसके बाद ये जर्मनी में अवेलेबल हुए CRT फर्स्ट. सिंस देन CRT टेक्नोलॉजी इम्प्रूव वॉज इम्प्रूव मैनी टाइम. इसके बाद ये इम्प्रूव होने लगे, बहुत टाइम ये इम्प्रूव हुई है. यूटिलाइज इन कंप्यूटर मोनीटर एज वेल एज टेलीविजन, ठीक है. देन ये CRTs हमारे कंप्यूटर मोनीटर्स में भी आए हैं, टेलीविजन्स में भी CRT मोनीटर्स जो हैं वो अवेलेबल थे. CRT मोनीटर एंड टेलीविजन्स वर वाइडली यूज अराउंड द वर्ल्ड अंटिल द 2000 तक. ये CRT मोनीटर्स एज अ टेलीविजन एंड एज अ मोनीटर ये यूज़ होते रहे. एंड LCD टेक्नोलॉजी बिकम मोर पॉपुलर एंड बिगन टू रिप्लेस CRT. उसके बाद CRT के बाद LCD आई और LCD ने इनकी जगह ली है CRT की, ठीक है. तो टुडे CRT इज कंसिडर्ड मोस्टली ऑब्सोलेट. तो ज़्यादातर अब CRT का यूज़ नहीं होता, लेकिन अब ज़्यादातर CRT की जगह जो है वो LCD ने ले ली. तो CRT मोनीटर आपके जो है ना ये डिटेल में हमने पढ़े हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं अबव लेक्चर्स में. नेक्स्ट प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स को भी हमने स्टडी किया हुआ है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स प्रोड्यूसिंग प्रिंटेड आउटपुट हैं. इसमें हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, इंजेक्ट प्रिंटर्स हैं, फोटो प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल पेरिफेरल्स, थर्मल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर्स, लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर, प्रोटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर क्लास. इसको भी हमने जो है वो अबव लेक्चर्स में सारे प्रिंटर्स को लास्ट लेक्चर में हमने डीपली स्टडी किया हुआ है सब प्रिंटर्स को, ठीक है. लास्ट लेक्चर में हम इनको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सब प्रिंटर्स को. उसके बाद स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, एयरबड्स हैं, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है. लास्ट लेक्चर में हेडफोन्स को भी हम स्टडी किया हुआ है हमने. आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोजेक्टर डाटा है, इसकी टाइप्स हैं. प्रोजेक्टर डाटा को भी हम जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. इसकी टाइप्स हैं जिसमें फोकस रिंग है, जूम रिंग है, कंट्रोल पैनल्स, एयर इंटेल ग्रिल है, ग्रिल. उसके बाद एयर आउटर ग्रिल आ जाती है. थर्मल बोर्ड है, स्पीकर्स हैं, एडजस्टमेंट फीट है, एडजस्टमेंट फीट फ्रंट है, एडजस्टमेंट फीट रेयर है, लॉक बार है, फुट एडजस्टमेंट है, लैंप कलर है, ठीक है. तो
ये उसके बाद कॉशंस टू नॉट रिप्लेस द लैम्प इमीजिएटली आफ्टर द यूजिंग प्रोजेक्टर बिकॉज द लैम्प वुड बी एक्सट्रीमली हॉट एंड इट बी कॉज बर्न. बहुत हॉट होती है और इन केस ये बर्न हो जाती है. ठीक है. पावर बटन, ऑटो पोजिशंस, कंप्यूटर्स मेन्यू बटन्स हैं, स्टार्ट इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर, कीस्टोन, एंटर बटन, वीडियो एक्स बटन बटन. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि वाल द मेन्यू और द स्क्रीन द कीस्टोन एडजस्टमेंट और पासवर्ड एंट्री इज बीइंग डिस्प्लेड कंप्यूटर वीडियो और ऑडियो पोजिशन बटन फंक्शंस एज द डब्ल्यू एक्स टर्मिनल बोर्ड के बारे में उन्होंने बताया हुआ है. टर्मिनल बोर्ड का कि उन्होंने कहा कि मेन्यू और द स्क्रीन फॉर द की स्टोन एडजस्टमेंट और अ पासवर्ड एंट्री इज बीइंग डिस्प्लेड कंप्यूटर वीडियो एंड ऑटो पोजीशन बटन्स फंक्शंस हैं एज द डब्ल्यू एक्स एंड एस बटन रिस्पेक्टिवली व्हाइल द मेन्यू इज ऑन द स्क्रीन द की स्टोन बटन फंक्शन एज द एंटर बटन्स. नेक्स्ट पावर जैक क्या है इसके ऊपर. ठीक है. कंप्यूटर्स टर्मिनल्स आ जाते हैं. मॉनिटर्स टर्मिनल है, रिमोट कंट्रोल सेंसर है, USB ऑडियो टर्मिनल, ऑडियो आउट टर्मिनल, ऑडियो इन टर्मिनल, वीडियो टर्मिनल, एस वीडियो टर्मिनल, वीडियो टर्मिनल, लॉक बार, स्ट्रील ऑडियो, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है. इसमें क्या हुआ है प्रोजेक्टर्स में, ये प्रोजेक्टर्स का उन्होंने डिस्कस किया हुआ है. प्रोजेक्टर्स की डिफरेंट जो है, इसमें पावर जैक होता है, इसमें कंप्यूटर टर्मिनल होते हैं प्रोजेक्टर्स में, मॉनिटर्स आउट टर्मिनल है, रिमोट कंट्रोल सेंसर्स है, इसमें USB है, ऑडियो इन टर्मिनल है, ऑडियो आउट टर्मिनल है, वीडियोस टर्मिनल, वीडियो टर्मिनल, एस वीडियो टर्मिनल्स हैं, लॉक बार है, सीरियल्स हैं, ऑडियोज हैं. ये चीज़ें सारी उन्होंने प्रोजेक्टर्स के बारे को, ये देखिए उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं, सारा बताया भी हुआ है इसमें. जहाँ पे ये फर्स्ट बना हुआ है ये पावर जैक है, जहाँ पे ये टू राइट किया हुआ है ये कंप्यूटर्स इन टर्मिनल हैं, थ्री राइट किया हुआ है थ्री पे मॉनिटर्स आउट टर्मिनल हैं. ठीक है. ये देखें फोर नंबर पे उन्होंने बताया हुआ है निशान लगा के रिमोट कंट्रोल सेंसर है ये डाटा प्रोजेक्टर्स के ऊपर. उसके बाद फाइव नंबर पे हमारे पास यहाँ पे फाइव नंबर है. ठीक है. फाइव पे उन्होंने बताया हुआ कि USB है. सिक्स पे देखें उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास जो है वो ऑडियो इन टर्मिनल है. सेवन पे ऑडियो आउट टर्मिनल है. एट पे उन्होंने बताया हुआ है ये पूरा टर्मिनल बोर्ड को उन्होंने एक एक को उन्होंने पिक्चर्स के साथ एरो के साथ निशान के साथ को आपको बताया कि एस ऑडियो टर्मिनल कौन से हैं, वीडियो टर्मिनल्स, लॉक बार कौन से हैं, सीरियल्स इसकी कौन सी हैं, ऑडियो L/R टर्मिनल्स कौन से हैं. ठीक है. किंगस्टन लॉक कौन सा है हमारा. पूरे जो डाटा प्रोजेक्टर्स हैं उसको एक एक को पिक्चर्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद देखें किंगस्टन, उसके बाद लॉक उन्होंने किंगस्टन्स लॉक उन्होंने बताया हुआ किंगस्टन लॉक कौन सा है इसके अंदर. द प्रोजेक्टर हैज़ अ किंगस्टन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कनेक्टर्स हैं. ठीक है. उन उसका उन्होंने वन बाय वन आपको बताया हुआ है. ये देखिए वन पे ऑन बटन है, टू पे मैग्नीफाई बटन है, थ्री पे वॉल्यूम अप है, डाउन बटन है, फोर पे की स्टोन बटन है, फाइव पे मेन्यू बटन है, सिक्स पे एंटर बटन है, सेवन पे AV ऑडियो वीडियो है, देन मेन्यू बटन है, एट पे ऑफ बटन है, नाइन पे एस्पेक्ट बटन है, टेन पे पेज अप है, पे डाउन बटन है, आउट ऑफ पोजीशन बटन है, डायरेक्शन बटन्स हैं, फ्रीज बटन्स हैं, वीडियो बटन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं. ये चीज़ सारी उन्होंने ये इमेजेस को जो है वो उसके साथ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है. लास्ट में व्हाट इज़ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड को भी हमने पढ़ा हुआ है, इसकी काइंड्स भी पड़ी हुई हैं. पेन बेस्ड है, पेन बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड्स हैं, टेक्को बेस्ड मैश बोर्ड्स हैं, टच बेस्ड इनफेयर्ड जो है वो बोर्ड हैं. पेन बेस्ड इनफेयर्ड बोर्ड्स की उन्होंने पिक्चर्स बताई हुई है कि क्या होते हैं पेन बेस्ड इनफेयर्ड बोर्ड. दीज बोर्ड्स आर यूजुअली दीज चीपेस्ट बोर्ड्स ऑन द मार्केट, सबसे चीपेस्ट बोर्ड है. वर्क बाय स्ट्राइकिंग अ स्पेशल डोकल्स ऑन टू एग्जिस्टिंग वाइट बोर्ड एंड यूज अ बैटरी ऑपरेटेड पेन टू वर्क. दे कम अंडर अ वेल्थ ऑफ नेम्स, मॉडल्स एंड प्राइस, ईबीम, मीमियो, रेनबो, वाजो बोर्ड्स, इनकी इन्होंने डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं बोर्ड्स की. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड. देखें उसकी भी उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं. ये हमारे पास पेन बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड्स है. दिस बोर्ड यूज अ मैश ऑफ कॉपर वायर्स ऑन द बोर्ड्स टू गेट देयर इनपुट एंड दिस मीन्स दे डू नॉट नीड अ बैटरी ऑपरेटेड पेन. इट सेव्स ऑन बाइंग बैटरीज. हाउएवर दिस बोर्ड्स डू नॉट डबल अप एज नॉर्मल ड्राई वायर बोर्ड्स. ठीक है. दे आर ऑल्सो यूजली मोर एक्सपेंसिव है देन द बोर्ड अबव. इसमें प्रोमेथियन है, क्लासेस एंड IMX की एग्जाम्पल हैं बोर्ड्स की. टच पैड मैश बोर्ड है.
हमारे पास, ठीक है, टच पैड, मैश बोर्ड, दिस टाइप ऑफ बोर्ड अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद देयर फिंगर। ये देखें वो बोर्ड पूरी आपके इमेजेस नज़र आ रही है और आप फिंगर्स के साथ इंटरेक्ट करके इन बोर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। सम ऑफ देम अलाउ यू टू यूज़ ड्राई वाइप मेकर्स ऑन देम टू। देयर आल्सो रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें टीम बोर्ड है, ट्रेस बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, IQ बोर्ड है, इसकी एग्जाम्पल्स है। लास्ट हमारे पास चैप्टर में आ जाता है टच बेस्ड इंफेयर्ड बोर्ड। ये देखिए इसकी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है, टच आप कर रहे हैं इसको, टच बेस्ड इंफेयर्ड बोर्ड है। दिस बोर्ड हैव ऑल द फीचर्स ऑफ द अबव टाइप बोर्ड्स। अबव जितने भी बोर्ड हैं सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड हैं, बट जस्ट आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ए लॉट ऑफ दीज बोर्ड्स आर आल्सो मैग्नेटिक विच इज़ यूजफुल। अगेन ड्राई वाइप मेकर्स कैन बी यूज ऑन दीज। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास हिटेकी स्टार बोर्ड्स हैं, टच IT हैं, उसके अलावा जेनी बोर्ड हैं, इंटेक बोर्ड हैं, इमेक्स डॉल बोर्ड एंड क्लेवर बोर्ड डॉल है। दीज बोर्ड आर यूजली चीप एंड आर इंक्रीजिंगली बिकम वेरी पॉपुलर। बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा चीप बोर्ड है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेक्चर नंबर, ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे।